गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मिस ऋतुराज एंड टुडे आई शैल मेंशन यू अबाउट अ पोएम दैट इज द लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दिस वीडियो एट फर्स्ट आई शैल मेंशन यू अबाउट द राइटर ऑफ दिस पोएम एंड देयर आफ्टर आई शैल मेंशन यू अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम लाइन बाय लाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम दैट इज द लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोएम 1799 में लिखी गई थी। गॉसलर नामक शहर में जर्मनी में लिखी गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनकी बहन आई और उन्होंने एक स्टोरी बताई कि हैलिफैक्स नाम की एक जगह पर जो कि यॉर्कशायर में है, वहाँ पर एक बच्ची बर्फ के तूफान में फंसकर गुम हो गई। अगले ही दिन उसकी जो लाश है वह एक नहर में मिली थी। इसी इंसिडेंट से पोएट को आइडिया आया और यह पोएम में लूसी की मौत के बारे में जिक्र किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम दैट इज लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑफ्ट आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वर्ल्ड आई चेंज्ड टू शी एट ब्रेक ऑफ डे द सोलिटरी चाइल्ड। ऑफ्ट आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे, इट मीन्स पोएट कहते हैं कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वर्ल्ड, और जब मैं गुजर रहा था एक जंगल से, एक विल्डर प्लेस से, आई चेंज्ड टू शी एट ब्रेक ऑफ डे, और ब्रेक ऑफ डे के समय यानी कि सुबह सुबह के समय मैंने देखा था द सोलिटरी चाइल्ड, एक एकांत बच्चे को। अब ये एकांत बच्ची कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगी। इस स्टेंजा का मीनिंग ये था कि एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं लूसी ग्रे को लेकर पोएट। Now, I am going to towards second stanza of this poem. No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a white moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. No mate, no comrade, Lucy knew. It means, वे कहते हैं no mate, कोई साथी नहीं है, no comrade, कोई साथ ही सहयोगी नहीं है। लूसी न्यू, जिसे लूसी जानती थी, यानी लूसी बिल्कुल अकेली है। सी ड्वेल्ट ऑन ए वाइट मूर, वह रहती है, वह कहाँ पर रहती है, ऑन ए वाइट मूर, एक बंजर भूमि पर। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, एक इंसानी दरवाजे के पास या इंसानी घर में पैदा हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है आपकी लूसी। Now I am going to towards third stanza of this poem. You yet may spy the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. It means, you yet may spy the fawn at play. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि आप एक हिरन के बच्चे की जासूसी कर सकते हैं खेलते वक्त। द हेयर अपोन द ग्रीन, आप देख सकते हैं कि एक खरगोश को इस हरे मैदान में, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन वो खूबसूरत सा जो चेहरा है ना लूसी ग्रे का, विल नेवर मोर बीन सीन, वह अब तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगा। इस स्टेंजा में हमें लग रहा है कि लूसी को कुछ हो गया है। नाउ I am going to towards next stanza of this poem. Tonight will be stormy night, you the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow. It means, tonight will be a stormy night, you to the town must go.
इस स्टेंजा में हमें पता चलता है कि पोएट हमें कहानी सुना रहा है और ये वह कहानी है जो पोएट ने किसी और से सुनी है, इसलिए वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना शुरू करता है। यहाँ पर एक आदमी है और वह अपने बच्चे से कह रहा है, टू नाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, ये रात एक तूफानी रात होगी, यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर जाना होगा, एंड टेक ए लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, एक लालटेन लेकर चाइल्ड मेरे बच्चे, योर मदर थ्रो द स्नो, तुम्हें इस बर्फीले रात में जाना है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द फादर विल आई ग्लेडली डू, टिस स्कार्सली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू एंड योंडर इज द मून, इट मीन्स यहाँ पर वह बच्ची कह रही है जो स्वीटेस्ट थिंग है, वह बहुत खूबसूरत बच्ची है लूसी, वह कहती है दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, ये काम मैं खुशी खुशी करूँगी, टिस स्कार्सली आफ्टरनून, अभी तो मुश्किल से दोपहर ही शुरू हुई है, क्योंकि उनके पिता बोले थे ना ये रात तूफानी होने वाली है, तो बच्ची कह रही है अभी तो दोपहर ही हुई है, मैं तो लौट आऊँगी रात होने से पहले। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक टू, एक घड़ी है और वह घड़ी बता रही है कि अभी तो 2 ही बजी है, एंड योंडर इज़ द मून, और अभी जो चाँद निकलना है वह बहुत दूर है, योंडर कहते हैं चाँद तो अभी उस परे है, मतलब चाँद निकलने में अभी काफ़ी टाइम है। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, एट दिस द फादर रेज्ड हिज बुक एंड स्नैप्ड ए फैगोट बैंड, ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, इट मीन्स यह सुनकर उनके जो पिता है उनका अपना हुक उठाया, एंड स्नैप्ड ए फैगोट बैंड, और काटना शुरू करा, फैगोट बैंड लकड़ी का एक गट्ठर होता है, ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक, उन्होंने अपना काम समेटा और दूसरी तरफ, एंड लूसी टुक द लैंटर्न, लूसी ने लैंटर्न ली इन हर हैंड, अपने हाथ में, और निकल पड़ी अपनी माँ को ढूंढने, यानी उनके पिता जो है वह अपना काम करने लगे और अपनी बेटी को कहा कि जाओ अपनी माँ को ढूंढ कर लाओ, मतलब जल्दी आओ। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, नॉट ब्लीट ब्लीथर इज द माउंटेन रो, विद मैनी ए वॉन्टन स्ट्रोक हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, इट मीन्स नॉट ब्लीटर इज दैट माउंटेन रो, जैसे एक खुशहाल यानी खुश होना, इज द माउंटेन रो, माउंटेन पर जैसे रो होता है, खुशी खुशी चलता रहता है, रो एक हिरन को कहते हैं, विद मैनी ए वॉन्टन स्ट्रोक, इसी तरह से आपकी जो लूसी है, वॉन्टन कहते हैं वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करते हैं, स्ट्रोक अपने कदम रख कर धीरे धीरे जा रही है वो, और एक हिरन के बच्चे की तरह चल रही है, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और वह जो पाउडरी स्नो है, पाउडर के रूप में जो बर्फ़ गिरी हुई है ज़मीन पर, वह उस पर स्ट्रोक कर, लात मार कर चल रही है, उछल उछल कर, दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, और वह जो वहाँ स्नो है, बर्फ है, वो उसके स्ट्रोक की वजह से एक धुएं की तरह ऊपर उठती है। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, सी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन एंड मैनी ए हिल डिड लूसी क्लिम्ब, हिल डिड लूसी क्लिम्ब बट नेवर रीच्ड द टाउन, इट मीन्स द स्टॉर्म केम ऑन द बिफोर इट्स टाइम, अब जो स्टॉर्म था वह समय से पहले आ गया, सी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, वह भटकी कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे,
एंड मैनी ए हील्ड लूसी क्लिम्ब। और लूसी ने उस तूफान से बचने का बहुत साहस किया और जो पहाड़ियाँ थी उस पर चढ़ी। बट नेवर रीच्ड द टाउन। लेकिन वह कभी टाउन नहीं पहुंची। उसको टाउन पहुंचना था अपनी माँ को लाने के लिए, वह नहीं पहुंच पाई। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द रेज्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉर साइट टू सर्व देम फॉर ए गाइड। इट मीन्स द रेज्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट। रेज्ड यानी कि परेशान, दुखी दुखी उनके माता पिता पूरी रात। वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, वो चिल्लाते रहे दूर तक गए, वाइड गए चिल्लाते हुए लूसी लूसी। बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉर साइट, लेकिन ना तो कोई आवाज़ थी ना कोई साइट थी, दृश्य था। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, जिसकी वजह से उन्हें पथ मिले या गाइड मिले, ना साइट जिससे कि वह लूसी तक पहुंच सके, ऐसा कुछ नहीं था। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक्ड द मूर, एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड ए फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। इट मीन्स एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड, एक पहाड़ी पर वे खड़े थे। दैट ओवरलुक्ड द मूर, और उन्होंने उस मूर को, उस बंजर भूमि को देखा। एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, फिर उन्होंने एक लकड़ी का बना हुआ पुल देखा। ए फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके दरवाजे से बहुत दूर तक थी। फरलॉन्ग का एग्जैक्टली मीनिंग 220 गज को कहते हैं, तो यह 220 गज दूरी पर था। अब यह वही टाइम है जब लूसी के माता पिता को यह एहसास हो गया कि अब वे लूसी को कभी नहीं मिल पाएंगे, लूसी से कभी नहीं मिल पाएंगे। और यह वही टाइम जब राइटर लूसी को मॉर्निंग के टाइम अकेले देखे थे। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। दे वेप्ट एंड टर्निंग होम वर्ड क्राइड, इन हैवन वी ऑल सेल मीट वेन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसी फीट। इट मीन्स दे वेप्ट एंड टर्निंग होम वर्ड क्राइड, वे रोते रहे वापस घर की तरफ लौट रहे थे, वो रो रहे थे चिल्ला रहे थे। इन हैवन वी ऑल सेल मीट, कि स्वर्ग में हम सब फिर मिलेंगे। वेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, तभी अचानक से माँ को बर्फ में दिखाई दिए क्या, द प्रिंट ऑफ लूसीज फिट, लूसी के पैरों के निशान। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। देन डाउन वर्ड्स फ्रॉम द स्लिप फ्रॉम द स्टेप्स हिल्स एज दे ट्रैक्ड द फुट मार्क्स स्मॉल एंड थ्रो द ब्रोकन हाउथोर्न हिज एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल। इट मीन्स देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टेप हिल्स एज। अब उन्होंने, पेरेंट्स ने क्या करा, वो पहाड़ी के नीचे नीचे उतरे क्या करते हुए, दे ट्रैक्ड द फुट मार्क्स स्मॉल, वो जो छोटे छोटे पैरों के जो निशान थे उनको ट्रैक करते हुए, उन्हें लगा लूसी के पैरों के निशान उस पहाड़ी के नीचे से आ रही है, वे पहाड़ी के नीचे जा रहे हैं, लूसी भी वहीं गई होगी, चलो हम भी चलते हैं। एंड थ्रो द ब्रोकन हाउथोर्न हेज, और वो गुजरे कहाँ से, टूटी हुई हाउथोर्न हेज से। हाउथोर्न कहते हैं नागफनी हेज, बाड़ा नागफनी के बारे में से होकर गुजरे। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और वो किस किस के सहारे जा रहे थे, एक ऊंची स्टोन वॉल के सहारे। यहाँ पर पोएट का एक आशा देता है, यहाँ पर पोएट एक आशा देता है कि शायद लूसी जो है अपने पेरेंट्स से मिलने वाली है, उसके जो पैरों के निशान है वो बार बार दिख रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड द मार्क
The marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. And then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. It means, and then an open field they crossed. उसके बाद उन्होंने ओपन फील्ड एक खाली मैदान खेत को पार किया. द मार्क्स वेयर स्टिल द सेम. जो मार्क्स से लूसी के पैरों के निशान थे, वेयर स्टिल द सेम, वो अब भी ऐसे ही थे. उनके पैरों के निशान अभी गायब नहीं हुए थे. दे ट्रैक्ड देम ऑन, नोर एवर लॉस्ट. वो उन्हें ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते गए. नॉट एवर लॉस्ट, और वो निशान ख़त्म नहीं हुए. एंड टू द ब्रिज दे केम. जब तक नहीं हुए, जब तक वो एक ब्रिज पर नहीं आ गए. नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक दोज फुट मार्क्स वन बाय वन इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वेयर नन. They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank and further there were none. It means, उन्होंने snowy bank इसलिए कहा है नदी के किनारे को क्योंकि तूफान आया था बर्फ का, तो तब लूसी इस बर्फ से ढकी पड़ी है. लेकिन जैसे पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि एक ऊद का पुल था, ब्रिज था. वो ब्रिज लकड़ी का बना हुआ है, उसके बीचों बीच आ गई है. पुल के बीच पर है उसके पेरेंट्स. एंड फर्दर देयर वेयर नन. और अब एक भी पैरों के निशान वहाँ नहीं है. यानी लूसी आखिरी बार कहाँ तक पहुँची थी? इस वर्टिकुलर लकड़ी के ब्रिज तक. Now I am going to towards next stanza of this poem. Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. It means, आप लूसी को अभी भी देख सकते हैं उस एकांत जंगल में. इसका मतलब यह हुआ कि शायद लूसी जो है एक स्प्रिट आत्मा में बदल गई है. इट मीन्स अब कुछ लोग कह रहे थे कि लूसी एक लिविंग चाइल्ड अभी ज़िंदा है, लूसी अभी भी जीवित है. इसका मतलब ये हुआ कि लूसी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है. आप लूसी को अभी भी देख सकते हैं उस एकांत जंगल में. इसका मतलब यह हुआ कि शायद लूसी जो है एक स्प्रिट आत्मा में बदल गई है, जिसको लोग अभी भी देखते हैं अकेले भटकती हुई उस लोनसम वाइल्ड जंगल में. और शायद इसी वजह से आपको पोएट ने स्टार्टिंग में लूसी को सोलिटरी चाइल्ड का नाम दिया था. नाउ आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स ए सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड. इट मीन्स, आखिरी सेंटेंस में कहानी फिर से पहले सेंटेंस पर आ जाती है. पहले सेंटेंस में आपके पोएट ने एक सोलिटरी चाइल्ड को देखा था, यानी कि लूसी ग्रे को. अब लूसी क्या कह रही है? अब लूसी क्या कर रही है? वो ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग. वो उस ज़मीन पर अकेले ट्रिप्स कर रही है, अकेले यात्रा कर रही है. एंड नेवर लुक्स बिहाइंड. और इस यात्रा मैं वो पीछे मुड़कर नहीं देख रही है. एंड सिंग्स ए सोलिटरी सॉन्ग. और एक गाना गा रही है जो कि सोलिटरी है. सोलिटरी यानी एकांत, जो अकेले में गाया जाता है. डैट विसल्स इन द विंड. और वो गाना हवाओं में गूंज रहा है. लास्ट स्टेंजा में पोएट ये भी कहना चाहता है कि शायद जब स्टॉर्म आया था तब लूसी गाना गा रही थी और वह खुद खुश थी. यानी लूसी जो है खुशहाल होकर मरी है. शी डाइड हैप्पी. और इसी वजह से उसकी जो स्पिरिट है अब भी ज़िंदा है और खुश है, और इस जंगल में गाना गाकर टहल रही है या भटक रही है और ट्रिप पर है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम एंड समरी ऑफ दिस पोएम. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप आवर क्लास टिल हियर.
थैंक यू एवरीवन, बाय एंड हैव ए गुड डे।